हेलो फ्रेंड, आज की इस वीडियो में ब्लाउज में लाइनिंग लगाने के लिए सीखेंगे। दोस्तों, लाइनिंग लगाना बहुत ही सिंपल है। आपको इस वीडियो में स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा आपको किस तरह से आसान तरीका में लाइनिंग लगाना है। आपको इस वीडियो को पूरा देखना है, उसके बाद आप आसानी से लाइनिंग को लगा सकते हैं। दोस्तों, यहाँ पे हमारे पास सिंपल लाइनिंग वाला ब्लाउज है जिसमें फ्रंट ओपन है और यहाँ पे दोस्तों दो पार्ट है, राइट और लेफ्ट। इसमें दोस्तों लाइनिंग में जिधर निशान है, एक लाइनिंग को हम ऊपर रखेंगे और एक लाइनिंग को नीचे रख देंगे इस तरह से दोस्तों। इसके बाद इसे हम हटाकर इस तरह से अपोजिट मिला लेंगे। इसमें दोस्तों आपका उल्टा पुल्टा कभी भी लाइनिंग अटैच नहीं होगा। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर शोल्डर से हम क्वार्टर इंच की मार्जिंग पर सिलाई को स्टार्ट करेंगे और बिल्कुल लाइनिंग को बराबर करते हुए यहाँ पे चारों तरफ स्टिच लगा लेना है पहले। दोस्तों, अगर आप इस चैनल पे इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिले। अगर कोई डाउट हो तो आप कॉमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं इसी तरह का कॉन्टेंट अपने चैनल पर अपलोड करता हूँ। यहाँ पर दोस्तों हमने एक पार्ट पर लाइनिंग को अटैच कर लिया है। इस तरह से आपको लाइनिंग अटैच करना है और साइड में जो एक्स्ट्रा मार्जिंग है इसे हम बाद में कटिंग करेंगे। तो मैं सेम इसी तरह से दूसरे पार्ट को भी यहां से शोल्डर से सिलते हुए क्वार्टर इंच के मार्जिंग पे चारों तरफ स्टिच कर लूँगा। यहां दोस्तों पीस को बराबर करते हुए हाथ से स्टिच लगाना होता है, कहीं से भी झोल नहीं होना चाहिए। तो इस तरह से दोस्तों फ्रंट पार्ट का दोनों पल्ला हमने अटैच कर लिया है। इसके बाद बैक पार्ट अटैच करेंगे। तो यहाँ पे दोस्तों पाइपिंग है, यहाँ पे हमने सिंगल पैर से लाइनिंग को सिलकर पलट लिया है पहले ही। इसके बाद दोस्तों इसे हम बराबर करके यहाँ शोल्डर से सिलाई लगाएंगे, यहाँ से स्टार्ट करेंगे और पूरे पे सिलाई लगा लेंगे। दोस्तों, लाइनिंग वाली ब्लाउज की हम कटिंग करते हैं तो सबसे पहले हमें लाइनिंग ही काटना होता है। लाइनिंग दोस्तों यहाँ पे फिक्स है, इसीलिए दोस्तों लाइनिंग को हम ऊपर रखेंगे और फ्रंट, बैक और स्लिप्स तीनों पल्ले को जब हम अटैच करेंगे तो लाइनिंग को हमेशा ऊपर ही रखकर अटैच करना होता है। अब दोस्तों जो लाइनिंग से एक्स्ट्रा मार्जिंग है इसे हम बिल्कुल लाइनिंग के बराबर सेम इसी शेप में कटिंग कर लेंगे। इधर से भी चारों तरफ से बिल्कुल लाइनिंग के बराबर कटिंग करना होता है। इस तरह से काम करेंगे तभी आपका ब्लाउज बिल्कुल फिनिशिंग में बनेगी। तो दोस्तों ब्लाउज के बैक पार्ट को हमने लाइनिंग को बिल्कुल बराबर अटैच कर लिया है और फ्रंट के दोनों पल्ले को भी हमने बिल्कुल बराबर लाइनिंग अटैच कर लिया है। अब दोस्तों स्लीव्स पर लाइनिंग को अटैच करेंगे। यहाँ पर दोस्तों स्लीव्स में बैक में जोर है तो इसको जोर को दोस्तों अंदर कर देंगे और यहाँ पे ब्लाउज के पीस का जो स्लीव्स है इसमें भी जॉइंट है तो यहाँ पे नीचे इसकी मोहरी पे सिलाई लगाएंगे पहले। ये दोनों दोस्तों जो जोर है इसको हम अंदर कर देंगे और सेम दोस्तों इसी के अपोजिट इस स्लीव्स को भी रखेंगे मिलाकर, तभी ये बाजू सीधी बनेगी। तो इस तरह से भी इसके नीचे मोहरी पे सिलाई लगा देंगे। इसके बाद दोस्तों स्लीव्स के चारों तरफ क्वार्टर इंच के मार्जिंग पे पीस को बिल्कुल बराबर करते हुए स्टिच लगा लेंगे चारों तरफ। इस तरह से दूसरे बाजू पे भी हम बिल्कुल मार्जिंग बराबर रखते हुए क्वार्टर इंच के मार्जिंग पे इसके चारों तरफ भी सिलाई लगा लेंगे। इसके बाद दोस्तों जो एक्स्ट्रा मार्जिंग है इसे हम कटिंग कर देंगे। यहाँ से आर्म होल काटते हुए बिल्कुल बराबर इसी शेप में कटिंग करना होता है जिस शेप में हमारा लाइनिंग है, और दूसरे बाजू का भी हम कटिंग कर लेंगे। इस तरह से दोस्तों लाइनिंग के बिल्कुल बराबर कटिंग कर लें। दोनों स्लीव्स मिलाकर देख लेंगे बिल्कुल बराबर है। तो इस तरह से दोस्तों स्लीव्स में और बैक में और फ्रंट में लाइनिंग को अटैच किया करें।
आई होप ये वीडियो देखने के बाद आपको समझ में आ गई होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।